Hello friends, this is Saurabh. Welcome to Exploring Study. Today we are going to discuss previous year objective questions of social science. During discussion, we use various images, some tricks and real life examples to understand the question better. चोल काल में सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव जी की हैं, जो कि चोल काल में बहुत ही बड़ी संख्या में मिलती थी, जो कि चोल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नटराज जी की, और ये इमेज में भी आप देख सकते हो, ये भगवान नटराज जी की मूर्ति है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया था, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। देखिए ई से एकता और इसका जो आंसर है वो ई से इल्तुतमिश, तो ये एक याद करने का तरीका है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रथा या एकता व्यवस्था स्टार्ट की थी। एकता का अर्थ है भूमि, तो एकता व्यवस्था के अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिकों अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि का एक हिस्सा प्रदान किया जाता था। सो ये भूमि एकता व लेने वालों को एकतादार कहा जाता था। एकतादार का मुख्य कार्य लगान वसूल करना, राजस्व वसूल करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और सैनिक व्यवस्था बनाए रखना है। सो इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, तो इसका आंसर है अजमेर में, और ये आप फिगर में भी देख सकते हो, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत चलाया गया, तो हिजरी संवत जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, तो जो इसका आंसर है वो है फतेहपुर सीकरी में, और ये जो खानवा का युद्ध है ये बाबर के द्वारा लड़ा गया, और बाबर के द्वारा केवल 4 युद्ध लड़े गए, जो कि था, पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और ये लगातार सालों में लड़े गए, 1526, 1527, 1528 और 1529 में। और बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध की एक ट्रिक भी है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, इसका आंसर है ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, तो इसका आंसर है 2, यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा कुल 14 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को, जो इसका आंसर है वह है बदलने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह अपने फैसलों को अल्टर कर सकती है, बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, तो इसका जो सही आंसर है वह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार फिलहाल अब मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर भी हो गया है, इस समय मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन, वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है संतुलित बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित राज्य है, इसका आंसर है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है, तो ये जो है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव दोनों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, तो इसका सही आंसर है वो है प्रायद्वीप। ये मैप में आप देख सकते हो, ये जो नीचे का पोर्शन है, दक्षिण भारत का पोर्शन है, ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये देखिए इतना नीचे का पोर्शन जो है ये जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो जो इसका आंसर है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है, और ये जो जनरली जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में पाई जाती है, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, इसका सही आंसर है डेड सी यानी मृत सागर। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जो विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है वो है वैन झील, VAN, वैन झील, जो कि टर्की में है। अब यहां से 2016 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, तो जो इसका सही आंसर है वो है दास वंश में। इसे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो जो इसका सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा एक रचित लेख था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया तथा उनके अधीन हो गए, अर्थात परास्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक था, तो जो इसका सही आंसर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए इसकी याद करने की ट्रिक जो है वो बहुत आसान है, तुगलक में भी ग आया है और देखिए गयासुद्दीन के स्टार्टिंग में भी ग है, तो इस प्रकार से हम ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, तो इसका जो सही आंसर है वो है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रंथियों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण के पठार अधिकांशता बने हैं, जो इसका सही आंसर है वो है आग्नेय शैलों से, और जो आग्नेय शैलें होती हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो मैग्मा से ही होती है, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये है आग्नेय शैलें और इनकी जो उत्पत्ति है वो मैग्मा से ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सात आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, अब इसका जो आंसर है वो बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो है गॉर्ज। अब देखिए ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखिए काफी गहरी घाटी है और सकरी भी है, मतलब जो इसका जो ढाल है वो तीव्र है, इसीलिए जो है इसे गार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कृष्ण पक्ष। आप ऐसे फिगर में भी देख सकते हैं, पूर्णिमा के समय जो चांद होता है वो फुल व्हाइट होता है, पूरा सफेद होता है, और अमावस्या में जो है वो चांद का जो कलर है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, तो चांद क्या है पूरे सफेद से धीरे 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 काला हो रहा है, और काले को हम लोग बोलते हैं कृष्ण, तो इसका जो आंसर है वो है कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जा सकता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कोर, जो पृथ्वी का केंद्र होता है उसे हम कोर कहते हैं, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो पृथ्वी का केंद्र है उसको बोलते हैं कोर, जो सबसे ऊपर का भाग है जहां पर हम लोग चलते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं मेंटल। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे आम है, तो जो आम का जो छिकला होता है वो बोलते हैं उसको क्रस्ट, जो गूदा होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग मेंटल,
और जो गुठली होती है उसको बोल सकते हैं कोर। सो इसको आम से रिलेट करके भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 21%। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो लगभग 21% के आसपास है, और जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में अमाउंट में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो इनकी जो संख्या है वो है 12। अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल भी बोलते हैं। अपने संविधान में भागों की संख्या 25 है, यानी 25 पार्ट्स हैं, और जो सूचियां हैं, लिस्ट हैं, वो हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका इनपुट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।